हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कम फास्ट, सारे लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। तो न्यू चैप्टर आप लोग का स्टार्ट किए थे ना, हमारे दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, आ गए सारे बच्चे, जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कविता, सीमा, रोशन, रामविलास, राजकिशोर, नीतीश, अमित, चंद्रदेव, रोहित, रवीश, रंजीत, नवीन, निरंजन, चंद्रमणि, रोहित, पल्लवी, रोशनी, विक्रम, मोहम्मद, नियाज, अन्नु, सोनम, छोटू, गणेश, भोला, दीपक, लक्ष्मण, राहुल, आयुष, निरंजन, छोटू। चलिए, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट कर दिया जाए। आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के लाइव सेशन को। कल आपका मैंने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमने आपको ये समझाया था कि हमारे रोज के जो जीवन में, दैनिक जीवन में, यानी हमारे हर दिन में, यानी हर रोज की जो जिंदगी है ना, हर रोज का जो हमारा जीवन है, उसमें रसायन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लगभग सभी क्षेत्रों में, हमारे जीवन के लगभग सभी भाग में, सभी क्षेत्रों में रसायन फैला हुआ है, है ना। तो इसके सारे क्षेत्रों की भूमिकाओं की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि है तो सारे जगह फैला हुआ, है ना। तो इसकी, रसायन की जो भूमिका है, वो हमारे रोज के जीवन में बहुत जगह है, लगभग सभी जगह है। तो सभी जगह का वर्णन नहीं होगा, यहाँ पर केवल तीन क्षेत्रों का अध्ययन होना है। एक खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में, दूसरा आपका क्या, औषधियों के क्षेत्र में, और तीसरा आपका क्या, साफ सफाई के क्षेत्र में। यानी इन तीन क्षेत्रों में, है ना, रसायन की क्या भूमिका होती है, इसका क्या रोल होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, है ना। तो पहला स्टार्ट हुआ था कौन सा बच्चों, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में, है ना। तो खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रसायन की क्या क्या भूमिका हो सकती है, वो मैंने आपको बताया था कल के क्लास में, है ना। उसमें से आपका पहला पॉइंट आया था, पहला टॉपिक आया था खाद्य पदार्थ परिरक्षक, फूड प्रेजर्वेटिव्स। तो फूड प्रेजर्वेटिव्स क्या है बच्चों, ये खाद्य पदार्थ परिरक्षक किसको कहते हैं जी। तो देखिए, वैसा कोई भी रसायन, कोई भी वैसे रसायन, है ना, जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक परिरक्षित करें, यानी जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने का काम करें, यानी जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने का काम करें, है ना, अर्थात उन्हें खराब होने से बचाने का काम करें, यानी उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने का काम करें, है ना, उसे ही खाद्य पदार्थ परिरक्षक कहते हैं। एग्जाम्पल मैं याद दिलाता हूँ बच्चों, सोडियम सॉर्बेट, पोटेशियम सॉर्बेट, सोडियम बेंजोएट, याद आ रहा ना, इथिलीन इपॉक्साइड, है ना, ये तमाम उदाहरण जो है सभी के सभी बच्चों क्या है, खाद्य पदार्थ परिरक्षक है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने का काम करते हैं, उसे लंबे समय तक टिकाऊ रखने का काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या था, चीनी का घोल और नमक का घोल, है ना, क्योंकि ये जो नमक और चीनी का जो घोल होते हैं ना, ये भी खाद्य पदार्थों के लाइफ स्पैन को एक तरह से बढ़ा देते हैं, यानी उसे लंबे समय के लिए टिकाऊ बना देते हैं, उसे खराब होने से बचाते हैं। जैसा मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको अचार वाला दिया था, है ना, कि अचार देखते हो ना, कई सालों साल वो टिके रह जाते हैं, खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें नमक का घोल का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वो जल्दी खराब नहीं हो रहे, वो टिकाऊ बन चुके हैं, है ना। चलो बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा खाद्य पदार्थ परिरक्षक क्या था, ये क्लियर हो गया, है ना, कल मैंने पढ़ा दिया था। हाँ, अब आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये हमें समझना है, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रतिऑक्सीकारक पढ़ने जा रहे हैं आप, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, देखो इंग्लिश वाले नाम से ही पता चल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट इसका मतलब देखिए क्या हो गया बच्चों, प्रतिऑक्सीकारक का मतलब देखो क्या है, जो ऑक्सीडेशन को
प्रोहिबिट करे, यानी कि जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, यानी जो ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करे, है ना। यानी हिंदी में समझ लीजिए ना, ऑक्सीकारक का जो प्रतिरोध करे, कहने का मतलब जो ऑक्सीकरण को रोकने का काम करे, यानी जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने नहीं दे, है ना, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होने से बचाने का काम करे, उसका जो प्रतिरोध करे, है ना। देख लो ना, नाम से भी पता चल गया, प्रति ऑक्सीकारक। प्रति मतलब क्या? प्रतिरोध करना। प्रति मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रतिरोध करना, यानी रुकावट डालना, रोकना, है ना। अच्छा, प्रतिरोध मतलब विरोध, विरोध मतलब रुकावट। भाई किसमें रुकावट डालना, किसका विरोध करना? तो ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण, है ना। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोकने का काम करे, है ना। जैसा आपने पढ़ा भी होगा, याद कीजिए, है ना, ये चीज आप पहले भी पढ़े होंगे, है ना। आपको क्लास 10th में विकृत गंधिता एक टॉपिक मिला था पढ़ने के लिए, जिसमें बताया जाता आपको रैंसिडिटी इंग्लिश में, है ना, हिंदी में विकृत गंधिता, इंग्लिश में रैंसिडिटी। उसमें आप ये पढ़े थे क्लास 10th में कि तेल या वसा युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनका धीरे धीरे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इसलिए उस ऑयली और फैटी फूड जो भी होते हैं, तेल या मसा वाला जो भी आपके तेल वाले जो भी या वसा वाले जो भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वे सभी के सभी धीरे धीरे क्या होते हैं? ऑक्सीकृत हो जाने के कारण खराब हो जाते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, उनके ऑक्सीकरण को ही रोकने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं, उसी को प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। यानी आप यूं समझ ले कि प्रतिऑक्सीकारक मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीकरण का प्रतिरोध करे, यानी जो ऑक्सीकरण का विरोध करे, है ना। प्रति मतलब उसके एंटी में काम करे। हाँ देखो ना, एंटी वाले नाम से भी पता चल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो ऑक्सीडेशन का एंटी जैसा काम करे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीडेशन का एंटी, यानी जो ऑक्सीडेशन नहीं होने दे, यानी जो ऑक्सीकरण नहीं होने दे, यानी जो ऑक्सीकरण को रोकवा दे, है ना। तो यानी ऑक्सीकरण को वही रोक पाएगा, है ना, जिसमें, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पदार्थ, है ना, कोई ऐसा रसायन है, हम जो कह रहे हैं कि जो प्रतिऑक्सीकारक है, तो इससे यह साफ साफ पता चल जाता है कि वो स्वयं ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है, है ना। क्योंकि ये एक तरह से सैक्रिफाइसिंग एजेंट का काम किया, यानी आप यूं समझ ले, ये एक तरह से त्याग और बलिदान देता है। बलिदान देने का मतलब क्या हुआ, समझिए ठीक से, ये जो रसायन होते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, BHA एग्जांपल है, BHT एग्जांपल है, सोडियम सल्फाइड, समझ रहे हैं इन बातों को। यानी BHA, BHT, मैं इसका एग्जांपल में आपको लिख दे रहा हूं कि प्रतिऑक्सीकारक में एग्जांपल आपका क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए, इसमें एग्जांपल हो जाता है आपका BHA, वैसे देखो सारा एग्जांपल इसमें लिखा हुआ भी है, चिंता नहीं करना आपको, है ना। यानी एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल क्या क्या आएगा वो आपको दिया हुआ है ना। एग्जांपल इसमें क्या क्या हो जाएगा, BHA होगा, और क्या होगा बच्चों, BHT होगा, और क्या होगा, SO2 होगा, और क्या होगा, Na2SO3 होगा, एस्कॉर्बिक एसिड भी हो सकता है, विटामिन सी, है ना, या फिर विटामिन ई, ये सारे उदाहरण हो जाएंगे किसमें, प्रतिऑक्सीकारक में, है ना। तो BHA, BHT, SO2, Na2SO3, ये तमाम उदाहरण जो आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी एग्जांपल जो है वो प्रतिऑक्सीकारक के हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये BHA, BHT में आपको शायद थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, है ना, तो ये है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और ये आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन। मैं अभी इसका स्ट्रक्चर भी बना दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो फिलहाल अभी मैंने आपको क्या बोला, प्रतिऑक्सीकारक एग्जांपल मैंने दे दिया, है ना। अब आखिर इसका क्या काम है, तो ये मैं बता रहा हूं आपको, इन सभी का काम होता है ऑक्सीकरण का प्रतिरोध करना, ऑक्सीकरण का विरोध करना, यानी ऑक्सीकरण को रोकना, यानी किसी भी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने का जो काम करता हो, है ना, उसे ही प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। वैसे रसायन जो किसी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाते हो, उसका ऑक्सीकरण को रोकते हो, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। अच्छा, अब ये किस प्रकार से ऑक्सीकरण को रोकता है, तो ये मैं समझाता हूं, है ना। पहले तो ये आप समझ गए कि ये जो प्रतिऑक्सीकारक का जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, BHA, BHT, SO2, Na2SO3, ये सब आपका प्रतिऑक्सीकारक है, ये तो आप समझ गए, है ना। अब आखिर ये प्रतिऑक्सीकारक कैसे कहला रहा है, प्रतिऑक्सीकारक हम किसको कहेंगे, कब कहेंगे, तो देखिए, कोई भी वैसा रसायन जो खाद्य पदार्थों को, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, यानी तेल वाला पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ जिसमें ऑयल्स हो, जिसमें फैट्स हो, है ना, यानी जिसमें, समझ रहे हैं ना, घी वाला, तेल वाला अंश जिसमें भी रहता हो, है ना, तो जो भी ऑयली फूड्स है या जो भी फैटी फूड्स है, है ना, अरे भाई जैसे आपका ये आपका मक्खन हो गया, समझ रहे हैं ना, तो ये सब आपका जो भी ऑयली फूड होते हैं या फिर जो भी फैटी फूड्स होते हैं, है ना, उन सभी में, है ना, उन सभी का ऑक्सीकरण को रोकने का जो काम करे, है ना, यानी उसको ऑक्सीकृत होने से बचाने का काम करे,
है ना। अरे भाई जब वो ऑक्सीकृत हो जाएगा तो आप जैसा पढ़े ना दसवां में कि अगर उसका ऑक्सीकरण हो गया तो उसके ऑक्सीकृत हो जाने के बाद वो धीरे धीरे उसका स्वाद और गंध क्या होगा, खराब हो जाएगा, है ना, और फिर वो खाने योग्य नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो इनका काम होता क्या है, इनका काम होता है कि ये तेल या वसा युक्त तो जो भी खाद्य पदार्थ है, तेल वाला या वसा वाला जो भी खाद्य पदार्थ है, उसके ऑक्सीकरण को ये रोकेगा और इस तरह से उसको खराब होने से वो बचाएगा, है ना। अब आपको ये मैं बता दूं ये किस प्रकार से बचाएगा, है ना, ये कैसे उसको बचाएगा खराब होने से, तो कैसे बचाएगा, उसके ऑक्सीकरण को रोक देगा, है ना, उसको ऑक्सीकृत होने नहीं देगा, क्योंकि वो जब तक ऑक्सीकृत नहीं होगा तब तक वो खराब नहीं होगा, है ना। तेल या वसा वाला जो भी खाद्य पदार्थ है अगर उनका ऑक्सीकरण को हम रोक पाते हैं, अगर उसको ऑक्सीकृत होने से रोक लेते हैं तो वो खराब होने से बच जाएगा, है ना। और वही काम होता है इनका, किनका, प्रतिऑक्सीकारक का, यानी ये तेल या वसा वाला जो भी खाद्य पदार्थ है ना उनके ऑक्सीकरण को रोकने का काम करता है, है ना। आपने देखा होगा मार्केट में जो आपको पनीर मिलते हैं या फिर जो आपको चीज मिलते हैं, बात समझ रहा ना, ये जो बटर मक्खन जो मिलते हैं, है ना, आखिर भाई वो मक्खन खराब क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सोचने लायक बात है, है ना। आखिर उतना लंबा समय तक उसका बटर जो है, मक्खन जो है, वो कैसे चल रहा है, है ना, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो लोग BHA का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जी हाँ, BHA इसका इस्तेमाल किया जाता है बटर के लिए, मक्खन के लिए। यानी ये आपको एक अच्छा एग्जांपल मिला कि ये जो आपका फैटी फूड्स है, यानी जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ, ये जो मक्खन है ना, उसको खराब होने से बचाता है BHA। कैसे बचाता है भाई, है ना, तो ये उस मक्खन को ऑक्सीकृत होने नहीं देता है, उसके ऑक्सीकरण को रोकता है, है ना। और वो ऑक्सीकरण को किस प्रकार रोकता है ये भी जरा समझ लो, है ना, ये स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। जी हाँ, ये जितना एग्जांपल आप देख रहे हो ना, इन सभी का गुण क्या होता है, इन सभी का गुण ये होता है कि ये खुद स्वतः स्वयं अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेते हैं, है ना। और जब ये स्वयं ऑक्सीकृत कर लिया तो ये उस खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से बचा लिया। ये ठीक उस तरह का बात समझ लो, है ना, कि मैं जैसे समझ लीजिए आपका कोई बॉडीगार्ड है, किसी ने फायरिंग कर दिया तो वो बॉडीगार्ड आकर के आपको क्या किया, फायरिंग से बचा लिया, है ना। तो मतलब आप यूं समझ लीजिए, या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसा दोस्त है, है ना, जैसा फिल्मों में आप देखते हैं, है ना, कि गोली मारा गया, है ना, उसका दोस्त देख रहा है कि अरे उसको गोली मारने जा रहा है ना, तो वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और दूसरे उसके बदले वो खुद गोली खा लेता है ना। इसका मतलब शूट कर रहा था किसी और को, हो गया कोई और, है ना, क्योंकि उसने आके उसको प्रोटेक्ट किया, उसने उसके आगे आकर उसके बदले खुद उसने जान दे दिया, है ना। तो मतलब वहां पर आपने क्या समझा, वो जो सैक्रिफाइस आपने देखा, वहां जो आपने वहां पर उसका त्याग या जो बलिदान देखा, है ना, कि उसने उसके बदले आकर, है ना, उसका उसके ऊपर जो फायरिंग किया गया था, जो शूट किया जा रहा था उसे, है ना, उसके बदले वो खुद आगे सामने आ गया और वो गोली वो खुद ले लिया, यानी उसको खुद गोली लग गया, लेकिन पीछे वाले जो थे उनके जो भी दोस्त वो बच गए, है ना। तो मतलब ठीक वैसा ही है जैसे उसने उसको, है ना, गोली लगने से बचा लिया और उसे खुद गोली लग गया, है ना। तो यानी वो अपनी जान को गवाते हुए, है ना, उसने अपने दोस्त को या अपने जो भी मालिक को या जिसे भी बचाने का काम किया, है ना। ठीक ऐसा ही काम इन लोगों का भी होता है बच्चों, है ना, ये सब स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना, ये सब खुद अपने ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन उन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने नहीं देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये खुद अपना ऑक्सीकरण करने लगेगा तो उन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब बात समझ में आ गया ना। तो यानी प्रतिऑक्सीकारक किसको कहेंगे बच्चों, तो वैसे रसायन, है ना, जो स्वयं ऑक्सीकृत होते हुए तेल एवं वसा युक्त, मतलब जिसमें तेल और वसा उपस्थित हो, है ना, तो वैसे रसायन जो स्वयं ऑक्सीकृत होते हुए तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होने से बचाते हो, अर्थात उनके ऑक्सीकरण को रोक देते हो, क्योंकि उसके बदले वो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोकने वाले ऐसे रसायन को ही प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, है ना। तो प्रतिऑक्सीकारक क्या था, तो ये वैसा रसायन है, है ना। देखिए डेफिनेशन में आपको पढ़ देता हूं, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, अर्थात उन्हें खराब होने से बचाने के लिए जिन सभी अवकारक गुण वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है उसे ही प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें अवकारक गुण वाला मैंने क्यों कह दिया, हाँ जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि इन सभी में ऑक्सीकृत होने का गुण है, है ना। तो जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है ना उसे बच्चों अवकारक कहते हैं, है ना, जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है उसको क्या कहते हैं, अवकारक, है ना। जैसे रुकिए मैं आपको कुछ एग्जांपल याद दिलाता हूं, आपको मैंने प्रगलन पढ़ाया था ना, प्रगलन तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत प्रक्रम वाला चैप्टर में, है ना, जिसमें अयस्कों को कार्बन के साथ गर्म करते हैं। देखिए याद आ जाएगा आपको, जरूर याद आया बच्चों, जरा सा चेक कर लो।
अयस्कों को कार्बन के साथ गर्म करते हुए उसका अवकरण कराने की प्रक्रिया को परगलन कहते हैं। तो जरा यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये जिंक का जो अयस्क है ना, ऑक्साइड के रूप में ये जो दिख रहा है, इसका देख लो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ या अवकरण हुआ? नो डाउट, निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे यहाँ पे अवकरण हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है भाई? अवकरण। तो देख लो ना यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना हुआ या हटना हुआ, देख रहे हैं ना ऑक्सीजन का जुटना हुआ या हटना हुआ, नहीं पता चला क्या? ऑक्सीजन यहाँ पर तो है लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का हटना, यानी कौन सी घटना? अवकरण की घटना। तो यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर अवकरण हो गया, यहाँ पर बच्चों अवकरण हो गया। अच्छा, इसका अवकरण किसने करवाया? किसने करवाया? कार्बन ने, है ना। और अब देख सकते हैं कार्बन ने ही इसके ऑक्सीजन को हटवाने का काम किया, यानी कार्बन ने ही, देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन को खुद अपने पास खींच लिया, है ना। तो देख लो कार्बन का मोनोऑक्साइड बन गया। अब आप जरा ये चेक कीजिए तो कार्बन का खुद का क्या हुआ भाई, इसका अपना क्या हुआ, इसका स्वयं का क्या हुआ, जरा सोचिए इस पर। कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है या अवकरण हुआ है? देखिए सोचिए जल्दी, कार्बन का इसमें ऑक्सीजन का जुटना हुआ। आप देख सकते हो इसमें पहले से तो ऑक्सीजन नहीं था लेकिन आगे चलकर देखो भाई ऑक्सीजन जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुटना कौन सी घटना? ऑक्सीकरण की घटना। तो अब आप इसको देख के समझ सकते हो, है ना, जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है ना बच्चों, जिसका ऑक्सीकरण होता है, है ना, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है ना कार्बन का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जुटना हुआ, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है ना वही, है ना, वही दूसरे का अवकरण करवाता है, है ना। तो इसका मतलब कि जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाए, है ना, यानी जो खुद ऑक्सीकृत हो जाए, जो खुद ऑक्सीकृत हो जाए, है ना, वो अवकारक कहलाएगा, है ना। अवकारक किसलिए कहलाएगा? क्योंकि वो दूसरे का अवकरण करवा रहा है, ये दूसरे का अवकरण करवा रहा है ना जी, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अवकारक। ये अवकारक है, अवकारक। अब आप ये मत कहना सर इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर आप इसको अवकारक क्यों कह रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला, इसका खुद का ना ऑक्सीकरण हुआ जी, लेकिन ये दूसरे का तो अवकरण करवा रहा है ना, तो जो अवकरण करवाने का काम करे उसको अवकारक कहते हैं, और जो ऑक्सीकरण कराने का काम करे उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, लेकिन इसको प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकरण कराएगा, है ना, जो ऑक्सीकरण कराएगा, लेकिन प्रतिऑक्सीकारक का मतलब क्या? नहीं, जो ऑक्सीकरण नहीं कराएगा, प्रति मतलब एंटी, है ना, यानी जो उसको रुकवाएगा, जो ऑक्सीकरण नहीं करवाएगा। बात समझ रहा है ना। तो देख लीजिए अभी मैंने ये जो भी एग्जांपल आपको दिया, ये सभी का सभी बच्चों क्या है? ऑक्सीकारक नहीं है, प्रतिऑक्सीकारक है। तो प्रतिऑक्सीकारक का मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीकारक का एंटी हो, तो ऑक्सीकारक का एंटी मतलब कौन? जो अवकारक होगा। अब समझ रहा है ना, अवकारक किसको बोलते हैं? जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है, जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है, उसी को अवकारक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरे पदार्थों का अवकरण कराता है, इसलिए अवकारक कहलाता है। इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट, इंग्लिश में रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। अब आप देखो नाम से समझो, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, तो ये वो एजेंट है जो रिडक्शन करवाएगा। एजेंट वैसे भी वही होता है जो वो काम करवाता है। अब जैसे LIC का एजेंट अपना LIC करते हैं क्या? नहीं, है ना। अब जो LIC के एजेंट है भाई, है ना, वो एजेंट क्या करते हैं? सबके घर जाकर अपना LIC करते रहते हैं, नहीं ना, वो दूसरों का LIC करवाते हैं, है ना। तो जो जिस काम का एजेंट है वो काम वो स्वयं नहीं करता, वो दूसरों का वो काम करवाता है। ये बात समझ रहे हैं? जो जिस चीज का एजेंट है, है ना, वो खुद का काम वो अपना नहीं करता है, वो काम वो दूसरों का कराता है ना। जैसे जो LIC का एजेंट है वो सभी घर जाकर, है ना, वो हर एक लोगों के घर में जाकर अपना LIC करते बैठते हैं क्या? नहीं, वो सभी लोगों के घरों में जाकर वो उन लोगों का LIC करवाते हैं ना। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो जिस काम का एजेंट है वो उस काम को वो स्वयं नहीं करता है, वो दूसरों का करवाता है, है ना। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिडक्शन स्वयं का नहीं करता है, वो दूसरों का करवाता है। यानी ये अवकारक है तो ये अवकरण स्वयं का नहीं करेगा, ये दूसरों का अवकरण कराएगा। स्वयं का क्या करेगा? ऑक्सीकरण, है ना, स्वयं खुद का ऑक्सीकरण होगा तभी दूसरे का अवकरण कराएगा, है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये सभी का सभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये सब प्रतिऑक्सीकारक है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण को रोकने का काम करता है, ये किसी का ऑक्सीकरण होने नहीं देता है, प्रति है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है ऑक्सीकरण का, है ना। तो यानी तेल या वसा वाला जो भी खाद्य पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण को ये रोकता है, है ना। और किस तरीके से रोकता है? वो इस तरीके से रोकता है जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई किसी को शूट कर रहा है, उसका दोस्त वहां पर है, तो वो उसको रोकने के लिए क्या करता है? वो खुद आगे खड़ा हो जाता है ना। तो यानी वो अपना बलिदान दे दिया, अपना जान गंवा दिया, लेकिन अपने
अपने दोस्त को बचा लिया, ठीक वैसे ही ये भी खाद्य पदार्थों को बचाता है, है ना। यानी ये तेल या वसा वाला जो खाद्य पदार्थ है ना, उसको ऑक्सीकृत होने से कैसे बचाता है, ये स्वयं ऑक्सीकृत होते हुए उसको बचा लेता है, है ना। यानी ये खुद का ऑक्सीकरण कर लेता है, और जब इसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ तो निश्चित तौर पर हम इसको अवकारक कहेंगे, है ना। तो मतलब प्रतिऑक्सीकारक कौन है भाई, है ना। तो ये वो रसायन है जिसमें अवकारक गुण होते हैं, है ना। और अवकारक गुण होने का मतलब ये हुआ कि ये दूसरों का अवकरण करवा सकते हैं लेकिन ऑक्सीकरण नहीं करवाएंगे, है ना। और ये ऑक्सीकरण को रोकने का काम करते हैं, इसलिए प्रतिऑक्सीकारक कहलाते हैं, है ना। तो ये तेल या वसा वाला जो भी खाद्य पदार्थ है उसके ऑक्सीकरण को रोकते हुए उसे खराब होने से बचाता है, और इसलिए उसे ही प्रतिऑक्सीकारक कहा जाता है, है ना। चलो बच्चों, तो ये क्लियर हो गया प्रतिऑक्सीकारक के बारे में आपने क्या क्या समझा, कुछ की पॉइंट्स आप फिर से सुन लो। पहला बात तो आपने ये समझ लिया कि प्रतिऑक्सीकारक जो है, प्रतिऑक्सीकारक का काम क्या होता है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोकना, पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या, दूसरा बात मैंने क्या बताया, ये ऑक्सीकरण कैसे रोकता है, उस खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को कैसे रोकता है, तो ये स्वयं ऑक्सीकृत होता है। दूसरा बात ये बताया मैंने, ये स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए तेल और वसा वाला जो भी ऑयली फैटी फूड है उसका ऑक्सीकरण को ये रोक देता है, क्योंकि उसके बदले वो खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। ये दूसरा बात आप जाने। तीसरा बात आपको मैंने क्या बताया कि इसमें अवकारक गुण है, है ना, क्योंकि ये स्वयं ऑक्सीकृत हुआ है, तो जिसका स्वयं ऑक्सीकरण होता है ना वो अवकारक कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी प्रतिऑक्सीकारक होते हैं उनमें अवकारक गुण पाया जाता है। ये बड़ा मार्वलस क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सवाल है, इसमें बहुत बच्चे अटक जाते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रतिऑक्सीकारक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है, है ना, पहला ऑप्शन दे दिया ऑक्सीकारक गुण, दूसरा ऑप्शन दिया अवकारक गुण। सवाल समझ रहे हैं, प्रतिऑक्सीकारक में कौन सा गुण होता है, पहला ऑक्सीकारक गुण, दूसरा अवकारक गुण, है ना, तीसरा दोनों, यानी ऑक्सीकारक गुण भी और अवकारक गुण भी, है ना, और चौथा इन दोनों में से कोई नहीं, है ना, यानी इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे, प्रतिऑक्सीकारक में कौन सा गुण होता है, ऑक्सीकारक गुण होता है या अवकारक गुण होता है, कमेंट में जरा जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। प्रतिऑक्सीकारक में मैंने क्या बताया, प्रतिऑक्सीकारक जो भी होते हैं उनमें कौन सा गुण होते हैं, ऑक्सीकारक गुण या अवकारक गुण, फटाफट जरा बताइए तो तेजी में कॉमेंट में लिखिए, जल्दी से लिखिए। प्रतिऑक्सीकारक में क्या कहना चाहोगे आप लोग, ऑक्सीकारक गुण या अवकारक गुण, जल्दी जल्दी बताओ। मिट्ठू कुमार ब्लॉक कर दिए जाओगे, मिट्ठू कुमार बी केयरफुल, किसका विलेज कहाँ है आप, यहाँ पर यही सब जांच पड़ताल करने आते हो, पढ़ाई करने आते हो बच्चों, पढ़ो केवल। आपसी चैट जिनका भी हम देखेंगे ब्लॉक करेंगे, हम पहले ही कई बार चेतावनी दे चुके हैं, दो बच्चों को कुछ ही दिन पहले मैंने परमानेंटली ब्लॉक किया है, इस बार आप ही लोग का नंबर आएगा। आपस में बातचीत मत किया करो, लास्ट वार्निंग है। चलो तो फटाफट बताओ जी, बहुत सारे बच्चे तो बता चुके हैं, अब उसमें से कौन लोग सही हैं गलत हैं ये बताते हैं। प्रतिऑक्सीकारक में कौन सा गुण, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, लगभग लोग तो सही बता दिए हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिऑक्सीकारक में अवकारक गुण होते हैं, ये जस्ट अभी आपको मैंने बताया, है ना। प्रतिऑक्सीकारक है ना कौन होता है भाई, जो ऑक्सीकरण को रोकने का काम करे, है ना। तो जो ऑक्सीकरण को रोकने का काम करेगा उसी को प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, है ना। तो वो ऑक्सीकरण को किस तरीके से रोकता है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण को वो कैसे रोकता है, वो उसके बदले स्वयं ऑक्सीकृत होता है, है ना। तो जिसका स्वयं ऑक्सीकरण हो जाए, जो खुद का ऑक्सीकरण कर लेता है, तो वो जरूर दूसरे का अवकरण कराता है, और इसलिए वो अवकारक गुण उसमें होता है, है ना। तो याद रखिएगा, नाम को देख के जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रतिऑक्सीकारक कह दिया इसका मतलब उसमें ऑक्सीकारक गुण नहीं अवकारक। अरे इतना क्या सोचना जी, नाम को देख के नहीं समझते हो, ऑक्सीकारक रहता तब ना कहते ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक रहता तब ना कहते ऑक्सीकारक गुण इसमें है, लेकिन ये तो प्रतिऑक्सीकारक है भाई, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकारक गुण नहीं होगा, इसमें अवकारक गुण, क्योंकि उसका ये प्रति है, प्रति मतलब प्रतिरोध में है, विरोध में है, एंटी में है, तो ऑक्सीकारक का एंटी कौन होगा, अवकारक, यानी ऑक्सीकारक का उल्टा क्या हो जाएगा, अवकारक। चलिए तो समझ गए होंगे कि प्रतिऑक्सीकारक यानी BHA BHT जो भी है इन सभी में अवकारक गुण पाए जाते हैं, है ना। आ जाओ बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखकर तो आप अच्छे से और भी समझ गए होंगे, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर का याद दिलाया था।
अब जरा देखना, ये जो SO2 है या जो Na2SO3 है, ये सभी का सभी प्रतिऑक्सीकारक है। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि ये सब स्वयं को ऑक्सीकृत कर लेगा, लेकिन लेकिन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने नहीं देगा और उसको खराब होने नहीं देगा, उसको खराब होने से बचा लेगा, है ना। अच्छा, अब ये BHA और BHT क्या है, तो इसका जरा मैं फुल नेम आपको बता देता हूँ, है ना। BHA और BHT क्या होते हैं जरा सा देख लीजिए यहाँ पर, उसका मैं यहाँ पर फिगर ही आपको बना देता हूँ, स्ट्रक्चर। यह है बच्चों आपका एनिसॉल, लेकिन अब देखिए इसमें लग जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ए से एनिसॉल हुआ, एच फोर हाइड्रोक्सी हुआ। अब इसमें ब्यूटिलेटेड हम कह रहे हैं, इसका मतलब कि इसमें इस तरीके से सी एस थ्री का होल थ्री सी, ध्यान दीजिए ये BHA है, इसी का शॉर्ट नेम आपका क्या है बच्चों, BHA। अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हो तो पूरा नाम होता है इसका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, हो गया ना। तो यानी ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका BHA का पूरा नाम मैंने बता दिया, B से ब्यूटिलेटेड, H से हाइड्रोक्सी, A से क्या होता है एनिसॉल, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और उसका पूरा मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको बना दिया है ना, ये संरचना सूत्र मैंने बता दिया है। अब इसका अगर आप अनुसूत्र जानना चाहते हो तो कार्बन यहाँ पे आप लगा लेना, ये सब जगह पे कार्बन लगा लेना, बाकी आप सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन सारे ऑक्सीजन की संख्या को काउंट कर लेना, जोड़ लेना और देख लेना, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाए वही उसका फॉर्मूला होगा, है ना। तो वैसे बेसिकली अणुसूत्र तो सिंपल है, वो तो आप कार्बन हाइड्रोजन गिन गिन के सब अपना जोड़ जाड़ के अपना लिख लोगे, है ना। बाकी मेन जो संरचना सूत्र होता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो ये था बच्चों आपका BHA। इसी तरीके से अब मैं आगे आपको बता देता हूँ कौन सा BHT, BHT भी जरा सा देख ही लो आप लोग, ये रहा आपका BHT, ठीक है ना, एकदम सेम फिगर है, बस जरा सा अंतर ये होगा, यही होता है बच्चों आपका क्या BHT। इसको मैं लिख लेता हूं नीचे में, इसका नाम क्या बताया गया अभी आपको BHT, यानी इसका पूरा नाम अब क्या होगा ये आप देखिएगा, BHT का पूरा नाम क्या है ये देख लीजिए जरा, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन, टॉलविन नाम से परिचित होंगे 11th वाले बच्चे जो पढ़ चुके हैं मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, उनको समझ में आ गया होगा, जो पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक को तो उनको ये बुझा गया होगा कि ये आपका अगर ये सब हटा दूं मैं यहां से तो ये इतना दूर टॉलविन है, अब इसी टॉलविन में हाइड्रोक्सी लग गया तो हाइड्रोक्सी टॉलविन, लेकिन इसी में ब्यूटिलेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब आपका ब्यूटाइल ग्रुप एक तरह से लगा हुआ है, है ना, तो ये आपका ब्यूटिलेटेड हो गया यहां से, ब्यूटिलेटेड, है ना, तो ये दोनों के कारण यहाँ पर नाम आया ब्यूटिलेटेड, और ये आपका हाइड्रोक्सी, और ये बाकी इतना दूर है बच्चों टॉलविन, तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलविन, इसलिए शॉर्ट नेम है BHT, शायद अब आप समझ गए होंगे BHT, पता चला ना। यहाँ देखो क्या था बच्चों, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, तो ये था आपका BHA और ये आपका BHT, दोनों का फिगर लगभग सेम होता है, ये केवल यहाँ पर आपका एनिसॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना दूर का नीचे का जो ग्रुप है ना ये इतना दूर आपका एनिसॉल है,
पढ़ाया हुआ ये सब एलेवेंथ में, और इसमें ये हाइड्रोक्सी लग गया तो हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और ये आपका ब्यूटिलेटेड है तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ठीक है, चलिए तो आप लोग ऐसा कीजिए, जब ये मैंने बता दिया ऐसा ऐसा फिगर मैंने बना दिया, तो आप लोग ऐसा कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। वो इसलिए क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है, ये सब मैंने नोट्स में असाइनमेंट में मैंने दिया नहीं है, क्योंकि ये सब में जगह ज्यादा लग रहा था और मेहनत भी ज्यादा था फिगर ड्रॉ करवाने में, है ना। तो चलिए आप लोग ऐसा कीजिए, BHA और BST का मैंने फुल नेम भी बता रखा है बच्चों, है ना, पूरा नाम भी बता दिया मैंने और उसका संरचना सूत्र भी बना दिया मैंने, है ना। तो आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और ध्यान रहे ये क्या आपका प्रतिऑक्सीकारक है, यानी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को ये रोकता है, क्योंकि उसके बदले ये खुद ऑक्सीकृत होता है ना, इसलिए उसको ऑक्सीकृत होने नहीं देता है और उसको खराब भी होने नहीं देता है, खराब होने से बचा लेता है ना, क्योंकि उसके बदले तो ये खुद अपना बलिदान दे दिया ना, ये उसको ऑक्सीकृत होने से बचा लिया, क्योंकि उसके बदले खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, है ना। चलिए तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट में ले लें, है ना, और ध्यान दे दें। मैं ये भी बता दूं ये सब आपका बहुत ही अच्छा है ना एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका यूज जो है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाते हैं। हाँ, एक चीज और भी, ये भी याद रखिएगा जरा सा, है ना, ये जो आपका केमिकल जो आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग जो कॉस्मेटिक जो यूज करते हैं, जैसे लिपस्टिक वगैरह हो गया ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, और भी बहुत सारे जो मॉइस्चराइजर आप लोग लगाते हैं, है ना, यानी कि स्किन की मॉइस्चर को अगर आप रिटेन करना चाहते हैं, है ना, तो जो मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं, है ना, चाहे फिर आप लिपस्टिक की एग्जांपल ले लें, है ना, तो ये सारे जो कॉस्मेटिक होते हैं ना, उसमें भी इन केमिकल को यूज किया जाता है, उसको लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए, है ना, उससे खराब होने से बचाने के लिए, बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब अच्छे खासे इंपॉर्टेंट केमिकल है, वैसे टेंशन मत ले, आपको ये चिंता नहीं करना है कि इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये सब पढ़ना उड़ना है नहीं, बस ये सब आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया है, है ना। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी जल्दी। हाँ, नोट्स तो अवेलेबल है, मैंने बताया था कि आप लोग फेसबुक पे जाइए और वहाँ केमिस्ट्री पॉइंट सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अजय कुमार क्या पूछ रहे, मैथमेटिक्स कब पढ़ाते हैं? नहीं बच्चों, शायद आपको पता नहीं है, अजय कुमार ये बालक पूछ रहे हैं कि मैथ कब पढ़ाते हैं। बालक, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, केवल और केवल मैं यहाँ पर केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ। रंजीत कुमार, आपको लिपस्टिक लगाने का शौक है क्या? ये लिपस्टिक वाला लिप्स आप यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं? ब्लॉक करना पड़ेगा आप लोग को ना, मजबूर करते हो भाई आप लोग, हो जाओ ब्लॉक। एक बच्चा फिर से ब्लॉक किया गया है, रंजीत कुमार को। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग उठपटांग कमेंट यहाँ मत दिया करें। कोई फिजिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, कोई मैथ के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं बाबू, यहाँ पर केवल और केवल आपको केमिस्ट्री ही मिलेगा, जैसा चैनल के नेम से भी आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री पॉइंट। तो यहाँ केवल और केवल आपको केमिस्ट्री ही मिल पाएगा, फिजिक्स और मैथ यहाँ पढ़ाया नहीं जाता बच्चों। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि आर्या, टॉलविन का नाम मिथाइल बेंजीन भी होता है, सही है, एलेवन में पढ़ाया गया था, याद है आपको, अच्छी बात है। मैं कहाँ से हूँ ये पूछ रहे हैं सुमित कुमार, मैं बिहार के लखीसराय से हूँ। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है। रीना राज, बी केयरफुल, मैंने क्या बताया फिर से सुन लीजिए, ये चीज़ मैं कोचिंग में भी डांट चुका हूँ इस बात को लेकर, मैंने कई बार बताया है फिर भी आप ये पूछ रहे हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता ही नहीं, ऑक्सीजन का सिंबल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल होगा O, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट है। जब ऑक्सीजन गैस आप बोलते हैं ना, तब जाकर आप समझें कि वो मॉलिकुलर स्टेट में आ गया, और तब आप उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे O2, समझे, गैस बोलने पर O2 लिखते हैं। और किन्हीं का कोई कॉमेंट, टेंथ का कब पढ़ाते हैं? अजय कुमार, बालक मैं टेंथ का नहीं पढ़ाता हूँ, पूछ रहे हैं टेंथ का कब, तो बालक मैं टेंथ का नहीं पढ़ाता हूं, केवल एलेवेंथ और केवल ट्वेल्थ, और वो भी केवल केमिस्ट्री।
वसा किसको कहते हैं? फैट्स को कहते हैं, चर्बी को कहते हैं। चर्बी आप समझ लीजिए एक तरह से, जैसे घी में फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रीम में फैट्स ज़्यादा होते हैं, वसा ज़्यादा होते हैं। नीतीश कुमार पूछ रहे हैं आप एलेवेंथ का कब से, तो नीतीश जी अभी एलेवेंथ का मैं कोई सूचना नहीं दूंगा, क्योंकि फिलहाल ये सब आपका पोस्टपोन हो रहा है, जब तक क्लास ना खुल जाए तब तक के लिए शायद, यानी लगभग मान लीजिए जुलाई के लिए। मोहम्मद नियाज पूछ रहे हैं कि क्लास कब से खुलेगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। पाषाण युग में कौन जी रहा है विक्रम, क्या क्या बोलते हो? अब कोई बच्चा नहीं जान रहा है तो पूछ रहा है, पूछ लेने दो। ठीक है मैं बता रहा हूँ, वीडियो रुकता है नहीं बाबू, यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। निर्भय कुमार आप अपना फिर से नेट को ऑन ऑफ कर लें, या फिर पेज को आप रिफ्रेश कर लें, दोबारा से आप लाइव आके देखें तो आपका नहीं रुकेगा। बफरिंग जिनका भी हो रहा है मैं उन्हें समझा रहा हूँ। देखिए दीपक कुमार बोल रहे हैं HD चल रहा है। मनीष कुमार क्लास की याद आ रही है, सही कह रहे हैं। बट कोई उपाय भी नहीं है, क्लास को भी मिस ही करना है फिलहाल। नहीं नहीं ऊपर से मिलाया जाता है, ये सब जो मैंने लिखा है ये सब ऊपर से मिलाया जाता है, यानी अलग से मिलाया जाता है, उसमें पहले से नहीं रहता है। चलिए चलिए हो गया, सभी लोगों का कमेंट मैंने ले लिया, अब आ जाओ आगे बच्चों। हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले चुके ना सभी लोग, तो अब आगे देखिए क्या है। तो एग्जांपल क्लियर है, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गया, ठीक है अब आगे आ जाओ बच्चों। कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसा नाम को सुनकर भी आप समझ सकते हो थोड़ा बहुत। कृत्रिम मधुरक, अच्छा एक बात बताइए, मधुर मतलब समझते हैं ना, मधुर तो समझते होंगे ना, मधुर मतलब होता है बच्चों मीठा, है ना, और मधुरक मतलब क्या हो गया, मीठा करने वाला, यानी उसको मिठास, मीठा बना देने वाला, यानी मिठास लाने वाला, है ना। तो मधुरक मतलब हो गया मीठा कर देने वाला, है ना, यानी मिठास लाने वाला, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब क्या हुआ, हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ, है ना। तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि हम ऐसे रसायन की बात करने जा रहे हैं, हम कुछ ऐसे रसायन की बात करने जा रहे हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, है ना, और मीठे स्वाद में होने के कारण उन्हें खाद्य पदार्थों में, है ना, मिठास लाने के लिए मिलाया जाता है, यानी वैसे रसायन, है ना, वैसे रसायन, या फिर आप ऐसे कह लो कि मीठे स्वाद वाले वैसे रसायन, है ना, मीठे स्वाद वाले वैसे रसायन जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में मिठास लाने के लिए, यानी उसका स्वाद मीठा बनाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, उसे ही कृत्रिम मधुरक कहते हैं। यानी हम लोगों के द्वारा तैयार किया जाने वाला वैसा रसायन, है ना, जो खाद्य पदार्थों में मिठास लाने के लिए उपयोग किए जाते हो, है ना, यानी खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हो, है ना। तो आप कहोगे कि हम लोग ऐसे रसायन क्यों बनाए थे, पागल थे क्या, क्यों मीठा बनाने के लिए, स्वाद मतलब खाद्य पदार्थों का टेस्ट को मीठा करने के लिए हम लोग केमिकल क्यों बनाया, है ना, यहाँ तो नेचुरल रूप से इतना अच्छा अच्छा। तो आखिर ये गुड़ से, शक्कर से, चीनी से काम क्यों नहीं चला, है ना, आखिर हमने अलग से केमिकल क्यों बना दिया, और वो भी केमिकल, है ना। तो आपको लग रहा होगा ये तो बेवकूफ वाला काम हो गया ना, जब नेचुरली हमको मीठे स्वाद के लिए, है ना, गुड़ हमें मिला है, शक्कर हमें मिला है, चीनी हमें मिला है, तो फिर आखिर ये आर्टिफिशियली हम लोग कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या, कृत्रिम मतलब क्या, जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया, मैनमेड, आर्टिफिशियल, है ना। तो आखिर हम लोगों ने क्यों ऐसा कोई केमिकल बनाया जिसका स्वाद मीठा हो, जरूरत क्या पड़ी, है ना। जैसे देखिए कोई भी चीज हम लोग क्यों बनाते हैं, जिसका हमें जरूरत होता है, है ना, और अगर कोई चीज आपको पहले से मिल रहा है तो उसको हमने क्यों बनाया, मेहनत करके ऐसा केमिकल क्यों तैयार किया, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, इसमें काफी फायदे हैं, काफी फायदे हैं। अब आपको लग रहा होगा सर फायदा कैसे, केमिकल को हम खाएंगे वो फायदा हुआ, हाँ बिल्कुल फायदा हुआ, बताता हूँ मैं कैसे फायदा हुआ। देखो आप गुड़ की जो बात करते हैं, यानी जो चीनी शक्कर की जो बात करते हैं, शुगर केन से जो बनते हैं, है ना, यानी कि आपका ईख के रस से, ईख समझ रहे हैं ना, अरे केतारी जिसको आप लोग कहते हो, है ना, तो ये जो ईख हुआ, केतारी जिसको आप कह रहे हैं, यानी जो शुगर केन है,
उसकी बात करें बच्चों, तो उससे जो आपको चीनी मिला है ना, उसमें कैलोरी होती है, है ना। यानी उसमें आपको उससे जब आप उसको यूज करते हैं, यानी जब आप उसे खाते हैं, है ना, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो मिठास तो आपको मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ कैलोरी भी इससे प्राप्त होता है, है ना। लेकिन ये जो कृत्रिम मधुरक की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कैलोरी नहीं होती है, है ना। अब कैलोरी होने नहीं होने से क्या फायदा नुकसान है, तो बताता हूं मैं। आप वो चीनी अगर ज्यादा खाएंगे ना आवश्यकता से ज्यादा, तो कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से ब्लड शुगर लेवल अगर आपका बढ़ गया, तो फिर डायबिटीज की समस्या उत्पन्न होती है, है ना, जिसको आप लोग मधुमेह वाले बीमारी के नाम से सुने हैं, है ना। मधुमेह या डायबिटीज या फिर इसी को चीनी रोग भी कह लेते हैं, है ना। तो ये जो चीनी वाला जो बीमारी है, यानी जो डायबिटीज होता है, यानी जो मधुमेह का जो बीमारी है, ये ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाने से होता है, है ना। और ये ब्लड में शुगर लेवल कब बढ़ जाएगा, जब कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाए, यानी आप जब अगर बहुत ज्यादा चीनी का उपयोग करें, चीनी का सेवन बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में, है ना। और ऐसा नहीं कि केवल चीनी ज्यादा खाने से ही, वो ब्लड में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, इंसुलिन वगैरह का उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, है ना। तो यानी ब्लड में अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, तब आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत ज्यादा चीनी का सेवन कर लूं, है ना, तो फिर ऐसे में डायबिटीज होने का खतरा है, है ना, क्योंकि उससे कैलोरी भी मिलता है ना। लेकिन ये जो है ना बच्चों, कृत्रिम मधुरक का सबसे बड़ा खासियत यही है, इसमें कोई कैलोरी नहीं होता है, ये कैलोरी फ्री होते हैं, कैलोरी से मुक्त होते हैं, यानी इसका आप कितना भी सेवन क्यों ना कर ले, आपको डायबिटीज का कोई खतरा होने जा रहा नहीं है। यानी कोई भी इस तरह का, यानी जो चीनी वाला बीमारी का जो डर है, यानी जो मधुमेह है, यानी जो डायबिटीज वाला जो बीमारी है, इसका कोई खतरा नहीं होने जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जब कृत्रिम मधुरक का हम सेवन करते हैं, तो उसमें कोई कैलोरी नहीं होता है, वो ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है, है ना। तो इससे देखिए बहुत बड़ा फायदा ये हुआ, है ना, कि हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा भी नहीं, और टेस्ट भी मिल जाएगा, है ना। तो टेस्ट भी मिल गया मीठा का, मीठा स्वाद जो हमें चाहिए था वो हमें स्वाद भी मिल गया, और इसे कोई खतरा भी नहीं हुआ, है ना। यही जबरदस्त लाभ होता है वाला, है ना। और इसी फायदे को उठाने के लिए बाबू कृत्रिम मधुरक बनाया गया है ना। अब मैं जरा आपको एग्जाम्पल सुना देता हूँ, सुक्रोलोज, सैकेरिन, स्पार्टेम, एलिटेम, ये सारे उदाहरण जो मैंने बोले हैं, सब आपको नोट्स में बढ़िया से दे दिए गए हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, सुक्रोलोज की बात करें, या सैकेरिन की बात करें, या एस्पार्टेम की बात करें, या एलिटेम की बात करें, ये तमाम उदाहरण जो जो अभी मैंने बोला है, है ना, ये सभी के सभी कृत्रिम मधुरक हैं, है ना। और याद रखना अच्छे से, एस्पार्टेम, एलिटेम, और क्या कहा गया, सुक्रोलोज या सैकेरिन भी लिख सकते हैं, सुक्रोलोज या सैकेरिन, ये तमाम उदाहरण जो है ना, ये सभी के सभी आपका क्या हो गया बच्चों, कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। अच्छा, अब जरा सा ये भी ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, ये सारे जो कृत्रिम मधुरक देख रहे हैं ना, इन सभी का स्वाद मीठा है, सभी स्वाद में मीठे होते हैं, है ना, लेकिन किसी में कैलोरी नहीं होते हैं, है ना। और कैलोरी नहीं होने का मतलब क्या हुआ, कि इसका सेवन ज्यादा भी कर ले तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने वाला नहीं है, कोई बीमारी वीमारी होने वाला नहीं है, लेकिन स्वाद तो आपको मिलेगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा वरदान साबित हो गया किसके लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए। जी हाँ बच्चों, आप सुनते होंगे टीवी में एड वगैरह जो आपका आता है शुगर फ्री, है ना, आप देखते हैं ना इसका प्रचार, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आप देखते हैं, है ना, कि शुगर फ्री का प्रचार किया जाता है, कि अगर कोई चाय पीना चाह रहे हैं या कॉफी पीना चाह रहे हैं या कुछ भी, है ना, अगर उनको मीठा से मना किया गया, क्योंकि डायबिटीज के अगर कोई पेशेंट है तो बेचारे का जीवन में ये अभिशाप बन जाता है कि वो मिठास को, है ना, चाह करके भी उस स्वाद को अनुभव करना चाहते भी हैं, फिर भी अनुभव नहीं कर सकते, यानी वो मीठा का सेवन नहीं कर सकते, है ना। तो उन लोगों के लिए जो अभिशाप बन चुका है ना, उन्हीं लोगों के लिए वरदान है, है ना, क्योंकि ये सारे केमिकल जो होते हैं, इससे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने वाला नहीं है, अगर उनका डायबिटीज है भी तो उनका अब ये प्रॉब्लम बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा फायदा तो ये कह लीजिए कि इनसे अब उनको मिठास का अनुभव भी करने का मौका मिल गया। जी हाँ बच्चों, यानी जो डायबिटीज के भी पेशेंट है ना, उनको यही केमिकल का बना हुआ, है ना, मिठाई दिया जाता है, या इसी केमिकल का बना हुआ, है ना, चाय पिलाया जाता है, यानी अगर घर में कोई भी मीठे व्यंजन बनाने हो, है ना, तो उसके लिए ये सारे केमिकल को ही यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, अब जरा सा सावधान, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, सुक्रोलोज और सैकेरिन ये दोनों तो ठीक है, है ना, सुक्रोलोज की खासकर अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही सिंपल, यानी बहुत ही अच्छा, है ना, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, जो खाद्य पदार्थों को बनाने उनाने के लिए या मिठाई वगैरह को बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है ना, क्योंकि ये उच्च तापमान पे भी स्थायी होते हैं। कौन, सुक्रोलोज, मैं इसकी बात कर रहा हूं, सुक्रोलोज का,
ठीक है। तो ये आपका सुक्रालोज जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूजेबल, यानी सबसे ज्यादा कॉमनली इसी का यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए। आप देखते होंगे बहुत सारी जो मिठाई होती है काफी महंगे मिलते हैं, आप देखते होंगे है ना ऐसे ऐसे मिठाई की दुकान में है ना, कुछ मिठाइयां काफी महंगे होते हैं और इसलिए क्योंकि वो शुगर फ्री होते हैं, है ना। शुगर फ्री मतलब क्या, चीनी से मुक्त है, यानी उसमें चीनी नहीं है। क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्वाद तो मीठा है लेकिन उसका स्वाद मीठा बनाने के लिए उसमें चीनी का उपयोग नहीं हुआ है बल्कि इन सभी केमिकल का उपयोग हुआ है। बात समझ रहा ना, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का, कृत्रिम मधुरक का उपयोग हुआ है। तो कृत्रिम मधुरक क्या है बच्चों, तो इसका परिभाषा आप सुनिए। कृत्रिम मधुरक किसको कहेंगे, वैसे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में मिठास लाने के लिए उपयोग किया जाता है और जो कैलोरी मुक्त होते हैं, कैलोरी मुक्त होते हैं या फिर बहुत कम कैलोरी होते हैं, है ना, जिसके कारण है ना शरीर में रक्त में है ना शर्करा की जो मात्रा है वो भी बढ़ती नहीं है और इस किसी भी प्रकार का डायबिटीज होने का कोई खतरा होता नहीं है, है ना। तो ध्यान देना बच्चों, ऐसे रासायनिक पदार्थों को ही कृत्रिम मधुरक कहते हैं जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में मिठास लाने के लिए किया जाता है और जो कैलोरी मुक्त होते हैं, है ना। आगे सुनिए, इसका एग्जाम्पल तो आपके सामने है ना, सुक्रालोज है, सैकरीन है, एलिटेम है और अस्पार्टेम है। इसमें से सुक्रालोज के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये आपका सुक्रालोज जो है ना चीनी से 600 टाइम्स, जी हाँ बच्चों 600 गुना ज्यादा मीठा होता है ना, यानी सुक्रालोज जो है ना 600 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, यानी इसकी जो मिठास होती है ना वो चीनी से भी है ना 600 टाइम्स ज्यादा मिठास होता है इसमें, है ना 600 गुना ज्यादा मीठा। इसका मतलब कुछ बात समझ में आया, अगर 600 ग्राम आप चीनी ले लोगे ना तो उसके जगह पे मात्र 1 ग्राम का सुक्रालोज उसके लिए बराबर हो जाएगा। जी हाँ, चीनी आपका 600 ग्राम आधा ज्यादा, उतना चीनी केवल 1 सुक्रालोज के बराबर होगा। कहने का मतलब बराबर किस चीज में होगा, वजन में थोड़ी, बेवकूफ वजन तो अलग है, ये तो बहुत कम 1 ग्राम मैंने कहा और चीनी आपको मैंने 600 ग्राम लेने का, फिर भी दोनों का मिठास बराबर होगा। जी हाँ, मतलब समझो बच्चों 600 ग्राम चीनी मिलके जितना मीठा होगा उतना अकेले 1 ग्राम का सुक्रालोज मीठा होगा, है ना। तो मतलब आप इसके मिठास के बारे में समझ गए, ये काफी ज्यादा मीठा होता है, है ना। अगला सुनो बच्चों, दूसरा आपका क्या है, सैकरीन, है ना। सैकरीन की भी अगर हम बात करें ना तो ये भी 500 गुना ज्यादा मीठा होता है, 550 से 550 गुना ज्यादा मीठा। बात समझ में आ रही है, यानी चीनी से ये भी 550 गुना ज्यादा मीठा, मतलब आधा किलो से भी आप ज्यादा ले लो, है ना, किसको, चीनी को, और ये सैकरीन केवल आप 1 ग्राम ले लो, इसका केवल 1 ग्राम उसके 500 ग्राम 550 ग्राम के मुकाबले में ये बराबरी करेगा, है ना। इसका मतलब वो आधा किलो का चीनी मिलकर जितना मीठा होगा उतना ये अकेले 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम ही इसका उतना मीठा हो जाएगा, है ना। यानी ये सब काफी ज्यादा मीठे होते हैं, यानी ये सारे केमिकल बहुत कम अमाउंट में मिलाए जाते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे, है ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा मीठा हो गया कि 1 ग्राम से ही आधा किलो के बराबर का मिठास ला दिया, समझ गया ना। चीनी आधा किलो का जो मिठास देगा वो अकेले एक मात्र ये केवल 1 ग्राम में ही आपको उतना मिठास ये दे देता है, है ना। चलो तो ये आप समझ गए होंगे बच्चों कि सैकरीन और सुक्रालोज ये दोनों का दोनों जो है ना, ये दोनों का दोनों जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी यूजेबल, है ना, कृत्रिम मधुरक है। अब आगे सुनिए बच्चों, एस्पार्टेम की हम बात करें, है ना, ध्यान दीजिए, एस्पार्टेम और एलिटेम इसका यूज जो है लिमिटेड है। पहली बात आप ये सुन लीजिए, एस्पार्टेम की बात करें और एलिटेम की बात करें तो ये दोनों काफी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब ये हुआ ये काफी ज्यादा सीमित इसका उपयोग है। सीमित इसलिए है क्योंकि पहला बात तो एस्पार्टेम में प्रॉब्लम ये है, ये गर्म हो जाने पर इसका मिठास खत्म हो जाता है ना। जी हाँ बच्चों, एस्पार्टेम में ये एक ड्रॉबैक है कि ये केवल ठंडे रहने पर ही इसका जो मिठास है ना वो स्थायी होता है, लेकिन अगर गर्म हो जाए तो इसकी मिठास गायब हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ चाय बनाने में इसका यूज नहीं हो सकता, क्योंकि चाय तो हमेशा गर्म करके ही बनाया जाता है ना। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे कोई भी व्यंजन, ऐसे भी कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको गर्म करके तैयार किया जा रहा है उसमें एस्पार्टेम का यूज किया नहीं जा सकता है, क्योंकि एस्पार्टेम तो क्या है, ये तो केमिकल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि गर्म हो जाने पर, उच्च तापमान पे आने पर ये अस्थायी नहीं होते हैं, इसकी मिठास गायब हो जाती है, है ना। तो अब आप सोचो बच्चों, इसका यूज कहां पर करते होंगे, आइसक्रीम बनाने में करते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने में करते हैं। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आइसक्रीम हमेशा गरम गरम खाते हैं, बुड़बक आइसक्रीम गरम गरम खाते हैं, ठंडा ही खाते हैं ना, तो ठंडा में उसका स्वाद मीठा आपको जरूर लगेगा। कोल्ड ड्रिंक की बात करें, गरम गरम करके पीते हैं, नहीं ठंडा ही पीते हैं, है ना। तो इन सभी में, यानी जो भी ठंडे व्यंजन होते हैं ना, ठंडे मिठास व्यंजन जो भी है, यानी जो भी ठंडा वाला, कोल्ड वाला, जो भी आपका आइसक्रीम हो जाए या फिर आपका जो भी उसमें ऐसा कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले ले, है ना, यानी जो भी ठंडा वाला पेय पदार्थ होगा ना, यानी खाद्य पदार्थ, जो भी ठंडे पेय पदार्थ या ठंडे खाद्य पदार्थ जो भी है ना, जिसको मीठा बनाना होता है, तो उसको
है ना, उसमें मिठास लाने के लिए एस्पार्टेम का यूज किया जाता है ना। और हाँ ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एस्पार्टेम का भी मिठास काफी ज्यादा है बच्चों, ये भी आपका चीनी से 180 गुना लगभग 200 गुना ज्यादा मीठा होता है ना। तो एस्पार्टेम की मैं बात करता हूं तो ये भी चीनी का लगभग आप समझ लीजिए कि 180 से 200 ग्राम का जो चीनी जितना मिठास लाएगा, केवल ये मात्र 1 ग्राम एस्पार्टेम उतना ही मिठास ला देगा है ना। तो समझ गए होंगे कि ये भी चीनी से ज्यादा ही मिठा है, मतलब लगभग जितने भी कृत्रिम मधुरक बनाए गए ना बच्चों, सब चीनी से बहुत ज्यादा मीठा है। और हैरत तो आपको अब यहां पर होगा, एनीटेम में 2000 गुना ज्यादा मीठा, 2000 टाइम्स समझ लीजिए है ना, यानी मोर स्वीटर। ये समझ लीजिए इसका जो मिठास होता है ना बच्चों, ये चीनी के मुकाबले में 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। यानी अगर 2000 ग्राम चीनी आप ले लो, 2000 ग्राम मतलब समझ रहे ना, 2 किलोग्राम चीनी है ना, तो 2 किलोग्राम चीनी 2000 ग्राम चीनी जितना मिठास लाएगा उतना मिठास केवल एलिटेम में मात्र 1 ग्राम आ जाएगा है ना। यानी 1 ग्राम का ही एलिटेम में उतना मिठास होता है जितना कि 2000 ग्राम चीनी में होता है ना। तो यानी ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, इसकी जो मिठास वाली जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है, और इसीलिए इसका यूज और ज्यादा सीमित है। इसका बहुत ज्यादा देख रेख से यानी बड़ा सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जरा सा मिस्टेक से अगर 1 ग्राम भी ज्यादा पड़ गया तो समझ लो 2 किलो चीनी ज्यादा पड़ गया है ना, यानी बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका बड़ा सावधानी पूर्वक यूज किया जाता है। तो मतलब आप समझ गए होंगे ये सारे कृत्रिम मधुरक हैं, यानी ये सारे ऐसे रसायन हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं है ना, लेकिन कैलोरी से मुक्त होते हैं, यानी इनमें कोई कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती नहीं है, इसलिए इससे डायबिटीज होने का कोई खतरा होता नहीं है ना। चलिए तो समझ गए कि ये सब क्या था, खाद्य पदार्थों में मिठास लाने के लिए है ना। ये प्रतिऑक्सीकारक क्या था, तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, मतलब उसको खराब होने से बचाने के लिए। और कल जो आप पढ़े थे खाद्य पदार्थ परिरक्षक, वो क्या था, वो भी खाद्य पदार्थों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए है ना, यानी उसे लंबे समय तक है ना तरोताजा बनाए रखने के लिए, यानी उसे खराब होने से बचाने के लिए, यानी उसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ परिरक्षक है ना। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक, उसमें मिठास लाने के लिए कृत्रिम मधुरक, यही सब तो है बाबू खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रसायन की भूमिका, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रसायन की भूमिका है ना। कौन कौन सा क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में क्या क्या भूमिका आपने पढ़ा है ना, तो खाद्य पदार्थों में मिठास लाने के लिए, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए है ना, यानी उसको खराब होने से बचाने के लिए, और कल जो आप पढ़े थे खाद्य पदार्थ परिरक्षक वो क्या था, उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उसको लंबे समय तक है ना टिकाऊ बनाए रखने के लिए है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में रसायन की भूमिका को आप पढ़ रहे हैं, यानी ये सब आपका खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रसायन की भूमिका हो गया है ना। चलो तो ये भी अब आपका समाप्त है, याद रखना ये सारी चीजों को, ये सब जो मैंने बताया ये सब आपका बाबू दिया हुआ है, आपको चिंता नहीं करना है, नोट्स में सब अवेलेबल है, सारी बातें मतलब नोट्स में सब कुछ लिखा गया है ना। और हाँ फिर से मैं ये बात रिपीट कर दूं, बता दूं, जिन बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं मिला है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आपको बाबू करना क्या है, फेसबुक पे केमिस्ट्री पॉइंट खोलना है ना, यानी आप फेसबुक अपना आप अपना अकाउंट में है ना, फेसबुक अकाउंट में जाकर सर्च करेंगे केमिस्ट्री पॉइंट लिख के जब आप सर्च करोगे तो आपको देखोगे फर्स्ट टॉप सर्च में ही है ना, यानी आपके सर्च में देखेंगे कि सबसे ऊपर में ही आपको एक नंबर दो नंबर के अंदर में ही आपको मिल जाएगा, अपने कोचिंग का ऑफिशियल पेज आपको दिखेगा, आप पेज देखकर पहचान जाओगे कि कौन सा वाला मेरा पेज है ना। वैसे तो केमिस्ट्री पॉइंट के नाम से और भी सारे केमिस्ट्री पॉइंट के नाम से कोचिंग है, तो और भी पेज हो सकते हैं, कोचिंग का पेज जरूर आपको बहुत ही जल्दी यानी फर्स्ट में ही पहले नंबर पे ही मिल जाएगा, आपको उतना ज्यादा नीचे जाकर खोजना भी नहीं होगा है ना। तो आप क्या करोगे बच्चों, उस पेज को खोजना है ना, पेज खोजने में ज्यादा कठिन भी नहीं है, सर्च में जाके केमिस्ट्री पॉइंट लिख देना, ज्यादा अच्छे से ढूंढना चाहते हैं तो मोहित सर भी लिख देना, यानी आप मेरा नाम भी उसमें लिख दीजिएगा है ना, तो आपको मिल जाएगा पेज। और पेज मिल जाने के बाद उस पेज को ओपन करके आप उसको लाइक कर लेना और पेज को फॉलो कर लेना। देखो पेज को लाइक फॉलो कर लेने से आपको फायदा ये होगा कि जब भी हम उसमें कोई भी चैप्टर का नोट्स वगैरह या कुछ भी हम अगर उसमें आप डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको माथा पच्ची खोजना नहीं पड़ेगा ज्यादा है ना, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उस पेज से जुड़े रहिए क्योंकि वो कोचिंग का और जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी सूचनाएं हमें देनी होती है वो सब मैं वहीं पर दूंगा। जैसे अचानक कभी अचानक मौसम खराब हो, खराब हो जाए, कुछ भी है ना, मजबूरी में अगर क्लास ऑफ करना पड़ता है अचानक किसी दिन है ना, तो मैं उसी
केमिस्ट्री पॉइंट के पेज पे ही मैं ये अपडेट दे दिया करता हूँ कि क्लास आपका बंद रहेगा या क्लास आपका चलेगा जो भी है ना। तो उस पेज से जरूर जुड़े हुए रहिए, जिस तरह से आप इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं वैसे आप उस पेज से जुड़े रहिए है ना, ताकि सारी जानकारियां हम लोग एक दूसरे में अपना शेयर करते रहे। ठीक है बच्चों, चलो तो हो गया बात। और हाँ, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, वो जो पहले से लाइक किए हुए हैं शेयर किए हुए हैं तो अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे तो शेयर भी किए हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने अपने प्रोफाइल से भी लिंक को शेयर किए हैं है ना, या फिर पेज को ही शेयर किए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो लोग नहीं अभी तक उस पेज से जुड़े हैं सभी लोग अपना जुड़ जाइएगा है ना। और इस पेज का दो फोटो आपको मिलेगा, दो ही पेज का है, बहुत सिंपल है, मैंने बोला था ना बहुत छोटा है। और एक पेज आज आपका समाप्त भी हो गया बालक है ना, एक पेज जी हाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। तो आप चिंता ना करें, बड़ा जल्दी ये चैप्टर आपका समाप्त भी होगा। हाँ, लेकिन अब इससे थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ। वैसे टाइम हो गया है, टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम तो हो चला है, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए? ओके ओके ठीक है, देख लिया मैंने कि टाइम हो गया है, कोई बात नहीं। आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं, कौन ब्लॉक होगा नहीं होगा, वो आपको नहीं सोचना है, वो मुझे सोचना है। देखिए ध्यान दीजिए, लगभग तो हो ही चुका है। देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं, आप लोग आपस में चैट मत करें। अगर आपसी चैट हमें नजर आ गया कभी भी कमेंट में है ना, तो फिर मैं उन लोगों को ब्लॉक करूंगा। ये मैंने आपको आज फिर से वार्निंग दे दिया, कई दिनों से, पिछले दिनों से मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ है ना, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से समझें। नहीं समझिएगा तो फिर ब्लॉक होइएगा, फिर आपको परेशानी होगी, आप एक फिर से नया आईडी बनाइएगा तभी जाके आप लॉगिन कर पाइएगा है ना, नहीं तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। ये आपका खुद का डिसीजन होगा कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। पढ़ना चाहते हैं तो सही से पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर मत आइए चैनल पे, जुड़िए ही नहीं है ना, क्या जरूरत है ना आने का। अगर आते हैं तो सही से पढ़िए, आपस में चैट मत करते रहिए, ठीक है? आपस में लड़ना भी नहीं है, देखते हैं कि कभी कभी तो कमेंट में लोग लड़ रहे हैं आपस में है ना, तो ऐसे में हम दोनों ही तरह के लोगों को मैं ब्लॉक करूंगा, चाहे गलती किसी की भी हो। अगर आप लड़ रहे हैं तो फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे है ना। अगर आपको लगे कि किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला तो आपको चिंता नहीं करना, आपको बस नॉर्मली कमेंट में लिख देना है कि सर फलाने व्यक्ति का कमेंट आप चेक कर लीजिए, उन्होंने मेरे बारे में कुछ लिखा है, बस आपको इतना लिख देना है, कहानी खत्म। आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आपको नहीं लड़ जाना है, तो ये चीजों पे ध्यान रखिएगा। और हाँ, टाइम को लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज भी थोड़ा मैंने पहले क्लास शुरू करने का कोशिश किया है, लगभग 7:10 से 15 के बीच में क्लास आज आपका स्टार्ट हुआ है ना, तो धीरे धीरे इस टाइम को मैं और पहले कर लूंगा, यानी मैं पक्का 7 बजे भी कोशिश करके स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन बशर्ते आप सभी लोग अगर लाइव हो जाए समय पर। तब आज भी मैंने देखा कि स्टार्टिंग में 42 से 45 लोग ही हमको लाइव नजर आए है ना, और फिर धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग भी टाइम पर अगर लाइव आ जाते हैं तो अच्छी बात है ना, पक्का 7 बजे मैं चालू कर लूंगा और तब पक्का 8 बजे भी मैं समाप्त करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बच्चों का आगे क्लास भी होता है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो ध्यान रखना इन बातों को आप लोग, ये क्लियर हो गया। अब जरा सा ध्यान दीजिए, आपको मैं वैसे देखा जाए तो सिलेबस में जो मेन मेन चीज था वो खत्म हो गया, आगे फिर भी मैं आपको अपने तरफ से यूं ही आपको एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ, फूड डाइट, ठीक है? अब ये फूड डाइट क्या होता है भाई, खाद्य पदार्थों में रंग लाने के लिए, रंग लाने के लिए जिस रसायन का हम लोग उपयोग करते हैं उसी को कहते हैं क्या, फूड डाइट कहते हैं है ना, यानी भोजन रंजक या खाद्य रंजक कहते हैं है ना। तो आखिर ये खाद्य पदार्थ रंजक क्या है ना, ये भोज्य रंजक क्या है जी है ना, तो भोज्य पदार्थों में यानी खाद्य पदार्थों में रंग लाने के लिए है ना, खास प्रकार के रंग लाकर उसे आकर्षक बनाने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं ना उसी को बच्चों क्या कहते हैं, फूड डाई कहते हैं है ना। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता देना चाहता हूं, ध्यान दो, अगर आप कैरोटीन की बात करें है ना या कैरामेल की बात करें, बात समझ रहे हैं ना, ये सब मैं एग्जांपल बता रहा हूं जो सब प्राकृतिक है। हाँ एक चीज पहले आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये दोनों तरह के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और बच्चों सिंथेटिक भी होते हैं, यानी आर्टिफिशियल हम लोगों के द्वारा बनाया गया है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए खाद्य पदार्थों में रंग लाने की अगर हम बात करें
है ना। तो देखिए अगर किसी खाद्य पदार्थ में एक अच्छा खासा रंग, जैसे मिठाई में देखते हैं ऑरेंज कलर की मिठाई है ना, अब देखते हैं येलो कलर की मिठाई है ना, तो आपको ये सब जो अलग अलग कलर में अगर मिठाई नजर आता है तो बड़ा आकर्षक लगता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ना। तो आप ये जान लो कि उन खाद्य पदार्थों को सुंदर बनाने के लिए, जैसे केक में अलग अलग कलर जो आपको दिख रहा है ना, पेस्ट्री में जो आपको अलग अलग रंग जो दिख रहा है, मिठाई में जो आपको रंग दिख रहा है ना, तो इन खाद्य पदार्थों को सुंदर आकर्षक बनाने के लिए उसमें जो अलग अलग कलर दिए गए ना बच्चों, वो आपका फूड डाई कहलाता है ना। यानी कि खाद्य पदार्थों में रंग लाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के लिए जिन रसायन का उपयोग करते हैं उसी को फूड डाई कहते हैं। अभी नेचुरल फूड डाई भी होता है और सिंथेटिक फूड डाई भी होता है ना। डाई मतलब कलर, डाई नहीं समझ रहे तो कलर समझ लीजिए, डाई बोलिए या कलर बोलिए एक ही चीज है। अब समझ गए, डाई बोले या कलर बोले दोनों एक ही बात है ना। तो ध्यान दीजिए, ये आपका नेचुरल फूड डाई या फिर नेचुरल फूड कलर, नेचुरल फूड डाई या नेचुरल फूड कलर, सिंथेटिक फूड डाई या सिंथेटिक फूड कलर, समझ गए। तो यानी ये जो फूड कलर होता है ना, यानी जो फूड डाई होता है, अरे सिंपल तो है, फूड में कलर लाने के लिए है ना, जिस केमिकल का यूज करते हैं उसी को फूड कलर कहते हैं या फूड डाई कहते हैं। डाई मतलब वही हुआ, कहते हैं ना हेयर डाई है ना। तो यानी कि डाई करना मतलब क्या हुआ, वही रंग लाना है ना। तो यानी कि खाद्य पदार्थों में रंग लाने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं उसी को खाद्य पदार्थ रंजक कहते हैं या भोज्य रंजक कहते हैं या फूड डाई कहते हैं, फूड कलर कहते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल कैसे, देखो आपको बता दो, मैं बीट की बात करें, बीट में एक गाढ़ा रंग होता है, आपने देखा होगा चुकंदर वगैरह को है ना, तो आपने उसमें देखा होगा कि चुकंदर को केवल आप काटते ही हो ना या केवल खाते ही हो ना, तो आप देख देंगे जीभ का कलर चेंज हो जाता है ना। ये काटते हैं तो हाथ वगैरह में लगता है तो हाथ का कलर, पूरा हाथ पे कलर आ जाता है ना। तो ये सब में काफी ज्यादा नेचुरली भी कलर है। अब जैसे गाजर की हम बात करें है ना, तो उसमें भी आपका थोड़ा ऑरेंज कलर नजर आता है ना। तो यानी कि गाजर में भी रंग है ना, बीट में भी रंग है ना। रेड कैबेज की मैं बात करूं, उसमें भी अपना एक रंग है ना। तो नेचुरली भी बहुत सारे ऐसे है ना फूड मटेरियल्स हैं जिसमें कि कलर होता है, तो उससे भी कलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे भी कलर को तैयार किया जाता है ना। तो यानी फूड डाई जो है वो नेचुरल भी होते हैं ना, जैसे कैरोट से ही, गाजर से ही कैरोटीन बनाया गया है। हाँ जी हाँ, कैरोटीन है ना, ये एक आपका नेचुरल है ना फूड डाई है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नेचुरल वाले का एग्जांपल, मैंने क्या बोला, अब तो नीचे दिखेगा नहीं, छोड़िए, मैंने बोला ना आप सुन लो, कैरोटीन है ना। फिर सिंथेटिक में मैंने आपको क्या बताया, सैफ्रॉन है ना, नहीं सैफ्रॉन भी इसी में नेचुरल में, और सिंथेटिक में आप एग्जाम्पल सुन लीजिए, इसमें आपका एल्यूरा रेड आता है ना, इसमें आपका टार्टराजीन आता है, टार्टराजीन जिसका कलर येल्लो होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यानी कि सिंथेटिक भी और नेचुरल भी दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं फूड कलर के, जिसका इस्तेमाल किया जाता है खाद्य पदार्थों में रंग लाने के लिए। एक बात और, नेचुरल फूड कलर जो होते हैं वो ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं है ना, कोई हानिकारक नहीं होते, उससे रंग भी आ गया, खाद्य पदार्थ आपका जो भी व्यंजन था, जो भी आपका खाना था, वो उसमें रंग भी आ गया और वो देखने में सुंदर भी लगने लगा है ना, और कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन ये जो सिंथेटिक होते हैं ना, ज्यादातर बाबू कार्स यानी ज्यादातर आपका ये सभी के सभी कैंसर उत्पन्न करते हैं है ना। इसका मतलब आप यूं कह सकते हैं कि जो भी आपका सिंथेटिक वाला जो फूड कलर होते हैं उन सभी में है ना, उन सभी में आप ये कह सकते हैं कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी उत्पन्न करने का उसमें साइड इफेक्ट है ना। यानी ये जो सिंथेटिक वाला जो केमिकल यूज किया जाता है ना भोजन में रंग लाने के लिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं है ना। और इसीलिए हमें ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जिसमें कि कलर का ज्यादा एक्सेस यूज किया गया है ना। तो क्या पता हो सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है नेचुरल नहीं, ज्यादातर सिंथेटिक वाला ही यूज किया जाता है ना, और सिंथेटिक वाला जो कलर इस्तेमाल किया जाता है ना वो ज्यादातर बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, यहाँ तक कि आप समझ सकते हैं कि वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत सारे कलर डाई पता चल चुके हैं जिसके ऊपर बैन भी लगाया गया बहुत सारे कंट्री में है ना। तो ध्यान रखना, भोजन को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए, उसमें रंग लाने के लिए जिस रसायन का उपयोग करते हैं उसी को खाद्य पदार्थ रंजक कहते हैं या भोज्य रंजक कहते हैं, फूड कलर कहते हैं। ये नेचुरल भी होता है और हम लोगों के द्वारा बनाया भी जाता है ना। तो चलिए ये भी समाप्त हो गया। तो आज आपका खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में जो रसायन की भूमिका होती है वो मैंने आपको खत्म कर दिया है ना। कहाँ कहाँ भूमिका था बच्चों, तो खाद्य पदार्थों में रंग लाने के लिए, खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने के लिए यानी उसमें स्वाद लाने के लिए है ना, तो कभी स्वाद लाने के लिए है ना, कभी उसमें रंग लाने के लिए मतलब उसको सुंदर बनाने के लिए, तो कभी उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए
यानी कि उसको खराब होने से बचाने के लिए, है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के इन तमाम क्षेत्रों में रसायन की जो भूमिका है वो आपने पढ़ लिया। कहाँ कहाँ भूमिका था, है ना, तो यानी रंग लाने में भूमिका है ना, मीठा बनाने में भूमिका है यानी स्वाद लाने में उसकी भूमिका होती है ना। रसायन की भूमिका आप देख रहे हैं ना, रसायन की कहाँ कहाँ भूमिका, रसायन का भूमिका है रंग लाने में, रसायन का भूमिका है उसको मीठा स्वाद देने में, है ना, रसायन का भूमिका है उसको खराब होने से बचाने में, है ना। तो खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में कहां कहां रसायन का क्या क्या भूमिका है वो आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्या, औषधियों के क्षेत्र में रसायन की भूमिका। आज आपका खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रसायन की जो भूमिका होती है वो समाप्त हो गया बच्चों। कल मैं आपको स्टार्ट करूंगा औषधियों के क्षेत्र में रसायन की भूमिका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना। हाँ, अभी तक के आज के क्लास में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, कृत्रिम मधुरक, इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम मधुरक में कम से कम 4 एग्जांपल जो मैंने आपको दिए वो एग्जांपल भी याद कर लेना और कृत्रिम मधुरक का आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये तो आपको सिलेबस में है भी नहीं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया, और प्रतिऑक्सीकारक भी, ये सब पे उतना ज्यादा फोकस करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है कृत्रिम मधुरक, इसको आप याद कर लेना। तो आज के क्लास में आपको मैंने खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में जो रसायन की भूमिका है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इसका अच्छी तरीके से जो नोट्स आपको मैंने अवेलेबल करा दिया है, आप लोग बच्चों उस नोट्स को जरूर से आप लोग फोटो उसका डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लेना। तो हो गया बच्चों, क्लास आप लोग का समाप्त होता है। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, ठीक है। और अगर किन्हीं को कुछ पूछना है, बताना है या कुछ भी बातें हैं तो मैं आप लोग का कमेंट लेने के लिए आ चुका हूं। और अगर किन्हीं को कोई बातचीत नहीं करनी है, मतलब अब अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपने अगले लाइव सेशन में जा सकते हैं, अगर किन्हीं का कहीं क्लास है तो। बाकी अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो मैं आपके लिए यहाँ थोड़ा वेट कर लेता हूँ, जिनको जो पूछना है पूछ सकते हैं। फटाफट आप लोग का मैं कमेंट ले लेता हूं, जिनको जो कुछ पूछना है वो पूछिए, और जिनको कुछ नहीं पूछना है वो लोग फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते चलिए। जिनको कुछ नहीं पूछना है वो लोग जा सकते हैं, और जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ, मिठू कुमार क्या पूछ रहे हैं कि जो पेज में अपलोड किए थे उसको कॉपी में लिखना है। नहीं बाबू, मिठू कुमार सुन लो अच्छे से, पेज में ना उसको लिखना नहीं है, वो लिखना नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो नोट्स आपको पेज वाला मिल जाएगा, वो पेज भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी तो आपको दिया नहीं जा सकता था ना, क्योंकि अभी तो क्लास बंद है, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अभी आपका बंद है। तो जब भी कोचिंग खुलेगा तो आपको वो कॉपी मिल जाएगा, है ना, तो आप चिंता ना करें, वो पेज भी आपको डायरेक्टली हार्ड कॉपी मिलेगा। तो अभी लिख कर आप लोग क्यों समय बर्बाद करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो रहा है फेसबुक से, नहीं ऐसा कैसे होगा मनीष कुमार, जो कह रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, फोटो को सेव करने का ऑप्शन जरूर मिला होगा। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है फोटो आपका अच्छे तरीके से, वो आपका फोटो जो है फ़ोन पे आपका अपलोड ही नहीं हुआ होगा शायद, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद फोटो जब अच्छे से आपका फ़ोन में आ जाएगा उसके बाद आप देखिएगा सेव करने का ऑप्शन आएगा। फोटो के ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पर आप क्लिक करना, वहाँ देखना सेव का ऑप्शन मिलेगा। चलिए, जॉनी कुमार कह रहे हैं लिख भी लिए हैं, क्यों मेहनत की है, कोई बात नहीं, अगर लिख लिए तो अच्छी बात है, कम से कम रिवीजन कीजिएगा, वैसे लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए मनीष कुमार अब कह रहे हैं, एक मनीष कह रहे हैं कि नहीं हुआ डाउनलोड, और दूसरे मनीष कह रहे हैं कि डाउनलोड हो गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और कोई कुछ कह रहे हैं, सिंथेटिक में ऐसा कौन सा केमिकल डेंजर होता है, लगभग सारा डेंजर ही होता है, जितने भी सिंथेटिक है सब खराब ही हैं, इतना ही आप समझ लो, बस ये कह लो कि किसी में कार्सिनोजेनस वाला प्रॉपर्टी है, यानी जो कैंसरस होते हैं, और कुछ कैंसरस नहीं भी होते हैं, लेकिन बाकी बीमारी तो होगा भाई, यानी प्रॉब्लम तो वो करेगा, यानी वो हमारे हेल्थ इफेक्ट को, यानी हेल्थ को खराब करेगा ही। बस ये कह लीजिए कि किसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी में थोड़ा कम प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी सिंथेटिक वाला फूड कलर है वो सब हमारे लिए डेंजरस ही होते हैं। चलिए, ये भी अच्छे दिमाग लगाए हैं कि स्क्रीनशॉट कर लिए, जिनको डाउनलोड में, हाँ सही बात है, जिनको डाउनलोड में प्रॉब्लम होता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, कोई बच्चे कह रहे हैं कि PDF में बनाकर देने का, देखो बाबू जो पॉसिबल होता है, जो सिंपल वे में हो सकता है वो मैं कर देता हूँ। अब ये मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊँ PDF बनाने उनाने का, क्यों उतना मेहनत करूँ, क्योंकि ऐसे भी फोटो में दिख रहा है, आप चाहें तो अच्छा से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा।
जी बिल्कुल नीतीश कुमार जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने जो भी सुना वो बिल्कुल सही सुना है। और ये चीज़ मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में बता दूंगा, आप चिंता मत करो। पिछले क्लास में मैंने पिछले ईयर में बताया था, अगर आपके कोई सीनियर हैं जान पहचान के तो आप उनसे पूछ लेना, वो आपको बड़े डिटेल में बताएंगे चीनी के पूरे प्रोडक्शन के बारे में। आपने जो सुना है फिलहाल मैं ये आपको बता दूंगा, बिल्कुल आपने सही सुना है। और व्हाइट पॉइजन इसलिए बस वही बात है क्योंकि इसे अगर आप देखो, इसलिए इसको हम कह रहे हैं क्योंकि खाने में तो बड़ा स्वाद में मीठा लगता है चीनी, है ना, अच्छा भी लगता है, लोग खाना भी चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये कि अगर ज़्यादा आप इसको यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बीमारी देने वाला चीज़ बन गया, है ना, इसलिए एक तरह से वो पॉइजन के रूप में उसको कह लेते हैं लोग। नोट्स आपका गैलरी में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। कैलोरी क्या है? कैलोरी मतलब समझ लीजिए ऊर्जा, और क्या, एनर्जी, एनर्जी बच्चों समझो। रवीश कुमार समझ गए बालक, हाँ तो आपके फ्रेंड्स ने आपसे पूछा तो आप उन्हें बता देना कि हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो चीनी होता है ना वो थोड़ा सा हमारे लिए हानिकारक तो है ही ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो बाद में बीमारी हो जाएगा, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होगा, इसलिए पॉइजन के रूप में आप उसको कह लेते हो, समझ लेते हो, है ना, हालांकि पॉइजन तो है नहीं लेकिन ओवर एक्सेस यूज़ के बाद, है ना। और ये भी बात सही है कि उसके रिफाइनिंग में बोन का, सचमुच में बोन चारकोल का इस्तेमाल होता है, हड्डी चारकोल, बोन चारकोल उसका यूज़ किया जाता है, और वो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी पे मैं उसको पढ़ाऊंगा जब मैं अधिशोषण आपको पढ़ाऊंगा तब। अब देखिए पतंजलि प्रोडक्ट में होता है या नहीं होता ये तो रामदेव बाबा जी से पूछना पड़ेगा ना, वैसे वो तो ज़्यादातर सब कुछ जो हर्बल यूज़ करते हैं तो उम्मीद किया जा सकता है कि वो लोग सिंथेटिक नहीं यूज़ करते होंगे, उन्होंने नेचुरल फूड कलर को ही इस्तेमाल किया होगा, ये अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, बट हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। आपका छूट गया है तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है क्या, सिंपल तो है, आप इसी चैनल पे जाइए, इस चैनल पे सारा का सारा जो भी अब तक मैंने पढ़ाया है वो सारा वीडियो बाबू सुरक्षित है, वो सारा वीडियो इस चैनल पे अभी भी आपका वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप हर रोज एक से दो वीडियो अपना पढ़ते चले जाएं, एक सिक्वेंस में वीडियो का जो लिस्ट है उसमें आप सबसे नीचे से शुरुआत करना जहाँ से भी आपका छूटा हुआ है, और फिर नीचे से धीरे धीरे उस लिस्ट में आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाना, यानी वीडियो लिस्ट में आपको पहले नीचे वाला वीडियो ओपन करके पढ़ना है, क्योंकि जो क्लास पहले हुआ है वो आपका वीडियो नीचे चला गया है, और जो आज का जो वीडियो आज जो मैंने अभी पढ़ाया वो वीडियो सबसे ऊपर में रहेगा, तो यानी जो ताज़ा पढ़ाया गया वीडियो है वो आपका ऊपर और जो पहले का वो नीचे, तो आप पहले पहला पढ़ा हुआ छोटा हुआ जो पढ़ेंगे ना, आप डायरेक्ट आज वाला पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, आज से चार पाँच दिन पहले जो आपका पढ़ाया गया पहले वो आपको पढ़ना चाहिए, तो पहले पुराना क्लास वाला आपको पढ़ना है ना, ताकि आपको आगे का क्लास समझ में आए, तो वीडियो लिस्ट से करें एनिमल बोन का यूज होता है क्या, हाँ वही तो मैंने बताया आपको, बोन चारकोल, चिंता मत कीजिए मैं बताऊंगा उसको डिटेल में बताऊंगा, बोन चारकोल हड्डी बारे में जो आप सोच रहे हैं और डर रहे हैं वो सारा डर दूर हो जाएगा, अभी आप इसके बारे में ज्यादा पैनिक मत होइए। हाँ क्या पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास 8 से स्टार्ट हो रहा है, जी नहीं, जिनसे आप सुने हैं आप उनको जाके सुना दीजिए कि जून में स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जुलाई में स्टार्ट करने का परमिशन है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें अपना राइट है, अगर वो चाहें तो डिसीजन को रोक भी सकते हैं, यानी वो आगे भी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी जून में तो बिल्कुल नहीं, अगर होगा भी तो जुलाई में, ये आप याद रखिएगा। सेट्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, 11 की कॉपी जाके निकाल के देख लीजिएगा, सेट्रिक एसिड का मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, मैंने तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बता रखा है, लैक्टिक एसिड का भी, सेट्रिक एसिड का भी सब बताया हुआ है, सेट्रिक एसिड का, चंद्रमणि कुमार 11 की कॉपी जाके उलट के देख लो, उसमें मैंने बढ़िया से जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जब मैं आपको IUPAC नॉमिक्लेचर बता रहा था उस समय मैंने इसको बताया था, तो आप जाके कॉपी देख लेना 11 वाला। रंजीत कुमार अब सॉरी कह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपको मैंने 5 मिनट के लिए ब्लॉक किया था, तो अब चिंता मत करें, आपको एक मौका मिल गया दोबारा,
लेकिन इस बार फिर से करोगे बदमाशी तो फिर परमानेंटली ब्लॉक कर दिए जाओगे, इसे थोड़ा ध्यान रखना। कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलिए, बस गलती दोहराने का कोशिश मत कीजिए। जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उनको बता दीजिए कि 8 तारीख से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। चलिए, और किन्हीं को कुछ भी पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, जाना तो है मुझे भी और आपको भी। चलिए, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? देखो, मनीष कुमार वर्मा बता भी रहे हैं कि ये मैंने पढ़ाया था। 11 वाले कोई भी बच्चे होंगे उनसे आप पूछ लो, बता देंगे वो आपको कि पढ़ाया था मैंने या नहीं पढ़ाया था। टार्टरिक एसिड का भी मैंने बताया था, जो इमली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो दही में पाया, लैक्टिक एसिड तो इधर 2 दिन पहले भी बताया गया था शायद। हाँ बिल्कुल, इधर 2 दिन पहले भी मैंने बताया था। पॉलीलैक्टिक एसिड पढ़ाता हूँ मैं पॉलीमर चैप्टर में। पढ़ाया हुआ चीज़ मत दोबारा पूछिए, और अगर आप पूछते भी तो थोड़ा पहले पूछ लिए होते। अब तो मैंने बोर्ड का जो व्यू है वो भी मैंने ऑफ कर दिया है, देख रहे हैं स्क्रीन पर कुछ और आपको आ रहा होगा, नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख दिया होता। या फिर आप सुनो, ये चंद्रदेव जो पूछ रहे थे, सॉरी चंद्रमणि पूछ रहे थे ना, साइट्रिक एसिड का, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप खुद से लिख लेना। 3 कार्बन आप सीधे सीधे लगा देना, और तीनों कार्बन पे आप COOH लगा देना, और बीच वाले कार्बन पे आप OH लगा देना। सुन लिया आपने, साइट्रिक एसिड के लिए 3 कार्बन आप सीधे लिंक कर देना सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद तीनों कार्बन में COOH लगा देना, और बीच वाले कार्बन पे बाबू बीच वाले कार्बन पे यानी सेकेंड वाला जो कार्बन होगा उसमें आप OH भी लगा देना। यानी अगर आपने ऊपर COOH लगाया तो नीचे OH लगा देना, या अगर आपने राइट साइड में COOH लगाया है ना, यानी आप ऐसे करो 3 कार्बन ऊपर से नीचे की ओर लगातार लगा दो, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन वर्टिकली खड़ा भार, समझ रहे हैं ना, 3 कार्बन ऊपर से नीचे की ओर आप लगातार कनेक्ट कर दो सिंगल बॉन्ड से, समझ रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, तीनों कार्बन में राइट साइड में COOH लगा देना, और बीच वाला जो कार्बन है उसमें लेफ्ट साइड में OH भी लगा देना। यही हो गया आपका साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। चंद्रमणि कुमार जो आपने पूछा था, लो मैंने आपको इसी तरीके से बता दिया, क्योंकि बोर्ड पे मैं लिख नहीं सकता हूं, क्योंकि बोर्ड वाला स्क्रीन ऑफ हो चुका है तो मैं लिख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बोल सकता था तो मैंने आपको बोल दिया। अब आप लिख लेना, या फिर 11 वाली कॉपी को निकाल के देख लेना, उसमें बना हुआ मिल जाएगा, उसका IUPAC नेम तक भी बताया हुआ है, 2-hydroxypropane 1-2-3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, आप लोग में से सारे बच्चे तो चैनल से जुड़े हुए हैं ही, अगर कोई चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर रोज़ सुबह 7 से 8 आप लोग लाइव क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, अब तो किन्हीं को कुछ पूछना नहीं रहा। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा केमिकल होगा, बताया था ना मैंने, उसी समय मैंने बताया था, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है उसमें आपको ठंडा जो भी रखते हैं तो उसके लिए एस्पार्टिम को यूज करते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, उसकी मिठास लाने के लिए एस्पार्टिम बताया था मैंने, क्योंकि वो गर्म होने पर फिर वो काम नहीं करेगा, चाय बनाने में उसको यूज नहीं कर सकते एस्पार्टिम को, क्योंकि गर्म होने पर उसका मिठास खत्म हो जाता है। कोई भी गर्म व्यंजन नहीं, ठंडे व्यंजन को बनाने में एस्पार्टिम को यूज कर सकते हैं मिठास लाने के लिए, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर। कुंदन कह रहे हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अभी आप मिले कहाँ बाबू, क्लास में मिलते तो और अच्छा लगता, वो तो लाइव में मिले हैं इसलिए उतना अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, फिर भी आपको अच्छा लगा तो ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है, धन्यवाद। देखिए अविनाश कह रहे हैं कि क्लास में मजा आता है, सही बात है। उपेंद्र कुमार थैंक यू कि कोई नीड नहीं है बाबू,
क्लास तो मुझे लेना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए थैंक यू ना कहें, ये तो मेरा फ़र्ज है, धर्म है। चलो बच्चों, तो हो गया, अब मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आप लोग तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और नोट्स जो मिला है उसको ज़रूर पढ़ना।